मैं आप सभी दोस्तों का सोडा उत्कर्ष क्लासेज में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पीछे की जो क्लास थी उनके अंदर हमने जो प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन हैं उनकी मैंने सीरीज चला रखी थी कि जितने भी रेखा एवं कोण जो हमारा टॉपिक चल रहा है उस पर जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं सारों को सारों सारे सारे जो क्वेश्चन हैं उनको मैं यहाँ पर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वह हमारी सीरीज चल रही थी उसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाते हुए ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं चाहता हूँ कि आप करने की कोशिश करें। तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करें। मैं मानता हूँ इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 मिनट तो लगेगी, तो आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, ये रेखा इसके समांतर है पहली बात, और दूसरी बात ये रेखा है ये कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है, ये रेखा भी कोण समद्विभाजक है, और PC की लंबाई 8 है, PQ की लंबाई 2 है, हमें BQ की लंबाई ज्ञात करनी है। कहने का मतलब है मेरे दोस्त, इसकी लंबाई 2 दे रखी है, इसकी लंबाई 8 दे रखी है, और इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, और ये समद्विभाजक है और ये समद्विभाजक रेखा है। आप ज्ञात करने की कोशिश करें, जल्दी करो थोड़ा। अब देखो दोस्त, मैं आशा करता हूँ कि आपने कर लिया होगा और सही किया होगा। तो अब देखो, आपने जो क्वेश्चन का आंसर किया है वो आपका सही है या गलत है इसकी हम देखते हैं। मान लो ये दोनों कोण, ये कोण समद्विभाजक है, तो ये कोण अगर अल्फा है तो ये कोण भी दोस्त अल्फा ही होगा। इस कोण को अगर मैं बीटा मान लूँ तो ये कोण भी मेरे दोस्त बीटा ही होगा, क्योंकि ये कोण समद्विभाजक है। पहली बात तो ये है, सभी को पता होगी। अब ध्यान से सुनो, ये कोण अगर अल्फा है तो एकांतर कोण से ये कोण भी अल्फा होगा, एकांतर कोण से ये कोण भी अल्फा होगा। दोनों समांतर रेखाएं हैं तो एकांतर कोण बनेंगे। ये कोण अगर अल्फा है तो ये कोण भी क्या होगा, अल्फा होगा। अब सुनो, ये कोण भी, कोण पी डी सी ये भी अल्फा है, और पी सी डी ये भी अल्फा है। दो कोण समान है तो दो भुजाएं समान होगी, दो कोण अगर समान है तो दो भुजाएं समान होगी, दो कोण अगर समान है तो दो भुजाएं समान होगी, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। PD बराबर PC की होगी। इससे मैं कह सकता हूँ कि जो PD की लंबाई होगी वही PC की लंबाई होगी, जो PD की लंबाई होगी वही PC की लंबाई होगी। हमें PC की लंबाई 8 दे रखी है, 8 दे रखी है, तो PD की लंबाई भी 8 हो जाएगी, PD की लंबाई भी 8 हो जाएगी। अब मैं कह सकता हूँ कि QD की लंबाई 10 होगी, ध्यान से सुनो, ये कोण कितना है, बीटा है, तो क्या ये कोण भी बीटा नहीं होगा, एकांतर कोण, ये कोण भी बीटा नहीं होगा, ये एकांतर कोण। ये कोण अगर बीटा है दोस्त तो ये कोण भी बीटा होगा, एकांतर कोण, जेड की आकृति बन रही है, एकांतर कोण, ये कोण भी बीटा होगा। ध्यान से सुनो, ये कोण भी बीटा है, ये कोण भी बीटा है, दो कोण अगर समान है तो दो भुजाएं समान होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। यानी मैं कह सकता हूं QD बराबर होगा QB के, और QD की हमारे पास लंबाई आ गई है 10, तो QB भी कितना हो गया, 10, तो QB की हमारे पास लंबाई कितनी आ गई, 10। एक बार अगर आपके समझ में नहीं आया है तो मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्त। देखो, इसकी लंबाई हमारे पास 8 दी गई थी, इसकी लंबाई हमारे पास 2 दी गई थी, यह कोण समद्विभाजक है तो ये भी बीटा है, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। इतनी बात आपके समझ में आ गई, ठीक है।
ये कोण अगर अल्फा है तो एकांतर कोण, ये जेड की आकृति बन रही है एकांतर कोण, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। अब ध्यान से देखो, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, दो कोण समान है तो दो भुजाएं, तो ये आठ तो ये भी आठ, तो पीडी कितनी होगी आठ, ये आठ और ये दो तो पूरी कितनी होगी दस। अब ध्यान से सुनो, ये बीटा तो ये कोण भी बीटा होगा, जेड की आकृति एकांतर कोण बनेगा बीटा। अब ये बीटा है, ये बीटा है, तो ये भुजा बराबर होगी, ये भुजा कितनी है दस है, तो इस भुजा की लंबाई कितनी आ गई दस। तो हम दिमाग में भी कर सकते हैं सारा कुछ सॉल्व, हम दिमाग में भी कर सकते हैं, यानी आपके जो पेपर होगा वह ऑनलाइन ऑनलाइन फॉर्म में होने वाला है, ऑनलाइन फॉर्म में होने वाला है, यानी आपको स्क्रीन दी जाएगी, तो स्क्रीन के अंदर आप ना दिमाग से भी क्वेश्चन करेंगे ना तो आपका बहुत टाइम बचने वाला है। अगर आप पहले इसको इसको कॉपी के अंदर नोट करेंगे, नोट करेंगे उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम निकलने वाला है, तो इससे दिमाग के अंदर भी सोल्व किया जा सकता है। नोट करो इसको, अब देखो दोस्त ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ध्यान से देखने की कोशिश करें इसे, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये कोण 236 डिग्री है, ये कोण 138 डिग्री है, ये थीटा है, तो थीटा का मान निकालने की कोशिश करें, निकालो प्लीज़, थोड़ी निकालने की कोशिश करो, इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। कोशिश की होगी आपने भरपूर, ध्यान से सुनो, ये जो 236 डिग्री दिया गया है, अगर मैं इसके इस कोण का मान ज्ञात करूं तो 360 में से 236 घटा दो, 360 में से 200 घटाएंगे तो आएगा 160, 160 है, और 60 में से 30 घटाएंगे, 30 30 में से 6 घटाएंगे 24, यानी 124, तो इसका मान आ गया है हमारे पास 124 डिग्री, 124 डिग्री। अब ध्यान से सुनो दोस्त, अगर मैं देखो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो खुद से कुछ करने की कोशिश करो, खुद से मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों समांतर है तो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकता हूँ, आगे बढ़ा सकता हूँ, तो ध्यान से सुनो, ये दोनों अगर समांतर है तो ये 124 डिग्री है तो ये भी 124 डिग्री होगा, क्योंकि ये संगत कोण है, तो इस कोण का मान भी कितना हो जाएगा 124 डिग्री, इस कोण का मान भी कितना हो जाएगा 124 डिग्री, ये बाह्य कोण है इसको, ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, अगर मैं 138 में से 124 को घटा दूंगा थीटा का मान आ जाएगा, 138 में से जब 124 को घटाएंगे तो आंसर आएगा 14, तो 14 डिग्री हमारा क्या है आंसर है, यानी कहने का मतलब क्या है दोस्त, ये अगर ये तो समझ में आ गया होगा 236 है, 360 में से जो 236 घटा दिया 124, ये भी 124 तो ये भी 124, ये भाई कोण है, यानी थीटा प्लस 124 बराबर हो गया है 138 के, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं अगर 124 को उधर ले जाऊं तो घटा दो 138 में से, जब 124 घटा दोगे तो कितना आएगा 6 और 8 कितने होते हैं, 6 और 8 कितने होते हैं 14, तो 14 डिग्री हमारा क्या है आंसर है, इस प्रकार से करना है, इस प्रकार से बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए पेपर के अंदर, लेकिन मैं जितने मेरे से हो सके उतने करा दिए हैं, बाकी बहुत क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, सारे मैं नहीं करा सकता, इसलिए जितने हो सके उतने करा रहा हूँ, तो इसको एक बार नोट करो, आगे कराने की कोशिश करता हूँ।
ये देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है तो मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, निकालने की कोशिश करो एक बार, गर्मी बहुत है यार। तो अब देखो, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, याद करना है। ये क्वेश्चन आपको याद करना है कि इनका योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन आपको याद करना है कि इनका योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब 360 डिग्री होगा कैसे है? वो एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लो उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लो। एक बात मैंने आपको बताई नहीं है, आगे की क्लास आएगी बहुभुजगी। बहुभुजगी जब मैं क्लास लूँगा तो उसके अंदर आपको मैं बताऊँगा कि जो किसी भी कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी अगर संरचना है, उसका जो बाह्य कोण होते हैं, बाह्य कोणों का जो योग है ना, वह 360 डिग्री होता है। कोई भी स्ट्रक्चर है, उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। मुझे बताइए, ये जो आपको चतुर्भुज दिख रहा है, इसका पहला बाह्य कोण ये है, दूसरा बाह्य कोण ये है, तीसरा बाह्य कोण ये है, और चौथा बाह्य कोण ये है। यानी चारों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। चारों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। क्या इन दोनों का योग इसके बराबर नहीं होगा? बाह्य कोण है, इन दोनों का योग इसके बराबर नहीं होगा, इन दोनों का योग इसके बराबर नहीं होगा, इन दोनों का योग इसके बराबर नहीं होगा, इन दोनों का योग इसके बराबर नहीं होगा। अगर ये बराबर हो रहे हैं, इन चारों का योग 360 डिग्री होता है, तो इन सभी का योग भी 360 डिग्री हो गया। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, और मुझसे वो नहीं होते कि सारे टीचर आपको डिटेल से बताते हैं कि भाई एक दो पर लिखो फिर वो लिखो, वैसे नहीं कर रहा। ध्यान से देखो, अगर थोड़ा सा यहाँ दिमाग, अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिखने की कोशिश करो। आप खुद लिखो कि 1 + 2 = यहाँ आप कोई भी नाम दे दो और उसको लिख लो, फिर इसको लिख लो, और फिर अंतिम में इन चारों का योग तो 360 डिग्री होता है, इसी कारण इन इन आठों का योग भी 360 डिग्री हो गया। कहने का मतलब तो आप समझ गए होगे, तो इसी कारण इन सभी का योग 360 डिग्री होता है। बल्कि इस स्ट्रक्चर को भी याद करना है, और इस क्वेश्चन को भी याद करना है, आंसर को भी याद करना है, और ये भी याद करना है कि इनका आठों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये नोट करो। अब मैंने जितने हो सके मैंने क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की है, अब इतना ही। अब एक रेडियन नाम की चीज़ होती है हमारे, तो उसको भी समझाने की कोशिश करूँगा, पहले इसे नोट करने की कोशिश करो। अब देखो दोस्त, थोड़ा सा ही मैंने रेखा एवं कोण टॉपिक को अगर स्टार्ट कर रखा है तो थोड़ा रेडियन के बारे में ही जान लेते हैं, फिर इसको क्यों छोड़ें। तो अब देखो, रेडियन क्या होती है? जैसे हम किसी कोण को जब मापते हैं, किसी कोण को हम मापते हैं तो डिग्री के अंदर मापते हैं, किसी कोण को अगर हम मापते हैं तो डिग्री के अंदर मापते हैं। लेकिन अब अगर किसी कोण को मापता है मापना है तो हम रेडियन में भी माप सकते हैं, किसी कोण को अगर मापना है तो हमें रेडियन में भी माप सकते हैं। जैसे देखो, रेडियन होता क्या है, यानी रेडियन का सीधा सीधा मतलब है, अगर किसी चीज़ का ऐसे सी से दर्शाते हैं, यानी किसी चीज़ का रेडियन निकालना है, तो रेडियन निकालने के लिए सूत्र होता है चाप, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप बटे त्रिज्या जो होती है, उससे हम रेडियन निकालते हैं। और चाप बटे त्रिज्या से हम क्या निकालते हैं, रेडियन निकालते हैं। ध्यान से सुनो, रेडियन होता क्या है, ध्यान से सुनो, रेडियन होता क्या है। जैसे भी कोई भी सर्किल है, ये मान लो मेरे दोस्त, कोई सर्किल ले लिया मैंने, कोई सर्किल ले लिया, इसका जो सेंटर है वह ओ है, मैंने इसको ऐसे डोनेट कर दिया, इसको ये आर है, ये भी आर है, मैंने इसकी R1 ले ली, मैंने इसकी R1 ले ली, तथा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चाप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चाप है, उसकी लंबाई भी मैंने 1 ले ली। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ जानने की कोशिश करूँ तो यहाँ चाप कितना है, 1 है, चाप कितना है, 1 है, त्रिज्या कितनी है, 1 है, तो कितना आ गया, 1 रेडियन, 1 रेडियन। तो ये होता है
वन रेडियन। तो ये क्या होता है मेरे दोस्त, वन रेडियन होता है। तो ये क्या होता है, वन रेडियन। यानी आर भी एक हो, आर भी एक हो और चाप भी जब एक हो, तो यहाँ पर जो थीटा बनता है, यहाँ पर जो थीटा बनता है वह कितना होता है, वन रेडियन। वह कितना होता है, वन रेडियन। इसे बोलते हैं वन रेडियन। अगर इस थीटा को अगर मैं डिग्री में बताने की कोशिश करूँ, इस थीटा को अगर मैं डिग्री में बताने की कोशिश करूँ, तो डिग्री के अंदर इसका मान होता है, इस थीटा का डिग्री के अंदर मान होता है मेरा भाई 57 डिग्री। 57 डिग्री 16 मिनट। 57 डिग्री 57 डिग्री 16 मिनट 21 सही 9/11 सेकेंड। 57 डिग्री 16 मिनट 21 सही 9/11 सेकेंड। या फिर इसे बोल सकते हो 57 डिग्री 256 डिग्री ये बोल सकते हो। या तो थीटा का मान ऊपर वाला ले सकते हो 57 डिग्री 16 मिनट 21 सही 9/11 सेकेंड या 57.200। ये सीजीएल के अंदर डायरेक्ट कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको भी नोट करने की कोशिश करें। रेडियन का मतलब होता है चाप बटे त्रिज्या। अगर हम एक एक ले लें तो इसे एक बार सपोज करने की कोशिश करो। जैसे मैंने ये कैसे आया, तो देखो जैसे मैंने ये कोई ट्राइंगल ले लिया है, जिसका ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, तो ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। ये कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। लेकिन ये कोण अगर 60 डिग्री है, लेकिन यहाँ ये भुजा नहीं है, यहाँ ये चाप है, यानी 60 से 1 से थोड़ा कम है, ये 1 से थोड़ा कम है, यानी ये कोण भी क्या होगा, 60 से थोड़ा कम होगा, यानी 60 से थोड़ा कम, 57 डिग्री 16 मिनट 21 सही 9/11 सेकेंड। तो ये हमारे पास इसका एक रेडियन का मान आया। तो ये मान क्या होता है, एक रेडियन का हमारे पास मान होता है। तो इस प्रकार आज की क्लास इतनी रहेगी, और आज हमने रेखाओं कोण का जितना भी टॉपिक था, जितना भी पूरा चैप्टर था, वो आज हम ख़त्म कर चुके हैं। तो अब आगे का जो चैप्टर होगा मेरा, वो होगा ट्राइंगल। तो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्राइंगल के बारे में। तो आज हमारा रेखाओं कोण जो टॉपिक था, वह चैप्टर मैंने पूरा एकदम डिटेल से पढ़ा दिया है। जितने क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को भी डिटेल से पढ़ा दिया है। अब मेरी आपसे आशा है कि रेखाओं कोण के बारे में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और मेरी सारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।